जय हो प्रभु, जय हो। हम सबको इस कोरोना जैसी आपदा से लड़ने के लिए ऐसी शक्ति देते रहिएगा प्रभु। और जो लोग कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे बुद्धिहीन लोगों को बुद्धि, और हमको ना थोड़ी ज्यादा ही शक्ति दीजिएगा, ताकि हम अपने घर की बहू नाम की आपदा का डटकर मुकाबला कर सके। सेम टू सेम। करिश्मा मैडम भी यही दुआ मांग रही थी, बस बहू के जगह सास था और आपदा के जगह आप माँ था। आप माँ? या आप माँ क्या है? सारी आपदाओं की माँ, मुसीबतों की अम्मा, झंझटों की मम्मा, आपदाओं की आपदा आप माँ। हम आप? अरे अगर हम आप माँ है तो खुद क्या है वो? हाँ, वो तो आप दादी है, आप चाची है, आप नानी है, आप मौसी है, आप आप आप, हम तो कहते आप सब कुछ है। वो बहू नहीं है, वो बहू हाँ, पाप है पाप। हमारे लल्ला के पिछले जन्मों का श्राप है वो, हमारी खुशकिस्मती पर बदकिस्मती की छाप है वो, हमारे पूरे खानदान के बुरे कर्मों का संताप है वो, हमारी खुशियों पर मनहूसियत की भाप है वो। क्या क्या कर रही हो तुम? मेरी ज्यादा लगा तो नहीं ना बेटा? देखा ना, हमको हमको आप माँ कह रही है वो। देख लेंगे बेटा, देख लेंगे, इसका बदला तो जरूर लिया जाएगा। तुम्हारे सर की कसम संतू। पुष्पी, अब एक काम करो, आप यहाँ बैठो। प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, रिलैक्स। चाय मंगाऊं? अमा वो आलसियों के ब्रांड एम्बेसडर चीते को कब का खाया हमने चाय लाने के लिए, कम वक्त अभी तक नहीं आया। आ गए हम। करेगा चीते, पेट में पड़ा तेरा सुबह का खाया हुआ समोसा तक दिखाई दे रहा है। पुष्पा जी, गर्मा गर्म अदरक डाल के इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कड़क चाय लीजिए। संतू जी लीजिए। थैंक यू। चीते, फुर्ती तो तुम में कभी थी नहीं, अब तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो चली है क्या? चाय हमने मंगवाई और तुम इसे दे रहे हो। अरे पुष्पा जी, आप संतू जी एक मिनट सर। ओके। अरे पुष्पा जी, भूल गई क्या हुआ था हमारी मासी जी के साथ? सुबह शाम दिन रात उठते जागते बैठते सोते चाय 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 चाय, फिर एक दिन एसिडिटी की थाए, छाती पर हाथ रख के हाय, फिर सीधा स्वर्ग को गुड बाय। बोलो चाहिए चाय? नहीं, रहने दे। अरे नहीं नहीं, पी लीजिए, तुरंत मंगा देंगे। अरे सुनो, अरे कहाँ, अरे कह रहे हैं ना हम, आ जाएगा तुरंत। चाहिए चाय हमको, रहने दे, ज्यादा चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। कि बाहर कैसी आवाज आ रही है? चाय पी के चलते हैं, फिर देख लेंगे ना क्या चल रहा है। ऐसी भी कौन सी जल्दी है, चाय पीजिए। ओके हैं, ओके चलो बाहर, चाय रखो चल। अरे इतना काम कराते हैं लोग। शांत शांत शांत, पीछे 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 पीछे, सोशल डिस्टेंस, पीछे पीछे पीछे। और क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ जी, पुष्पा जी आप शोर भूली तो नहीं होंगी मुझे। मैं आपका अपना सनी चड्डा, ताजी खबरों का इकलौता अड्डा। और फिर क्या हाल है संतोष जी? सही था मैं आपके बारे में, दिल भी बड़ा खूबसूरत है। हे, क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोले जा रहे हो तुम? मेरा मतलब, क्या काम कर रहे हैं आप लोग? वाओ, एक्सलेंट, आई रियली अप्रिशिएट इट संतोष जी। ए चड्डा, तुम ना ज्यादा बकवास ना करो, ये बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर?
अबे तू तो ऐसे मुंह सड़ा रहा जैसे तेरी बहन छेड़ दियो। देखो अब कैमरा रोल करो। हाँ तो आज हम यहाँ पर आए हैं अपने शहर की महिला पुलिस थाने की पुलिस का शुक्रिया अदा करने। वो पुलिस जिसने अपनी जान पर खेलकर इस शहर के हर नागरिक की हर मुमकिन मदद करी। यही है वो लखनऊ का महिला पुलिस थाना। आइए मेरे साथ अंदर से दिखाते हैं आपको ये महिला पुलिस थाना। तो ये है वो मजदूर, फैक्ट्री वर्कर्स, डेली वेजिस पे काम करने वाले लोग जो इस लॉकडाउन के चक्कर में बेहद मुसीबत में आन पड़े। ऐसी नाजुक घड़ी में इनका साथ देने के लिए खड़ा हुआ ये महिला पुलिस थाना। इनकी SHO हसीना मलिक और इनके सहयोगी स्टाफ ने ना सिर्फ इन लोगों को अपने थाने में शरण दी बल्कि थाने को एक शेल्टर होम में तब्दील कर दिया। और तो और इनके खाने रहने और जरूरत की सारी चीजों का खास ख्याल रखा, बिल्कुल एक परिवार की तरह। अबे चड्डे, अरे जीने के लिए मीडिया की नहीं बढ़िया खाने की जरूरत होती है। बिल्लू चंपक, डायरेक्ट नंबर 007। तो बिल्लू, आपने भी इनकी बहुत मदद करी। हाँ हाँ, बहुत बहुत मदद की है ना। तो कैसा लग रहा है आपको? कैमरा चालू है? हाँ चालू है। नमस्कार, मैं बिल्लू चंपक। अब क्या बताए, अब इन लोगों के साथ मेरा ये बिल्लू निवास एडजस्ट करना पड़ रहा है। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अरे इस वक्त एडजस्ट नहीं करेंगे तो कौन से वक्त एडजस्ट करेंगे? अरे इस थाने में तो करिश्मा जी और पुष्पा जी के झगड़े एडजस्ट कर रहे हैं हम। पुष्पा जी, ये तो पाने का मैं आपके झगड़े के सामने। तो किसे देना चाहेंगे आप इस बात का श्रेय? जिसके जज्बातों वाली बात कभी ना जाए खाली। अरे बजाओ रे ताली, आई रे आई मैडम हसीना जज्बातों वाली। जय हिंद। तजुर्बा कहता है हमारा कि कोई भी जीत या कामयाबी किसी एक की नहीं होती, इसके पीछे बहुत से लोगों का त्याग और बलिदान होता है। इस कामयाबी के पीछे इस थाने के साथ साथ आप सब ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया, इसलिए आप भी उसके इतने ही हकदार हैं। और हमारी तरफ से आप सब के लिए आप लोग तो ऐसा कर रहे हैं जैसे हम अभी ही जा रहे हैं हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर। अभी 2 दिन बाकी हैं हमारे सस्पेंशन में। मैडम सर, पुष्पा जी जाना तो पड़ेगा। इमरजेंसी की वजह से हमारा सस्पेंशन सिर्फ पोस्टपोन हुआ था, कैंसिल नहीं, इसलिए जाना तो पड़ेगा। 2 दिन बाद यहां पर नई SHO आएंगी चार्ज लेने, तब जाकर आपका छूटेगा हमसे पीछा, तब बजाइएगा बाकी तालियां। ये क्या कह रही हैं आप? मैडम सर, आप हमेशा हमारे लिए हमारी इंस्पिरेशन और हमारी सीनियर ही रहेंगी। डिजर्व करती हैं आप। तो कहिए कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि ऐसे मुश्किल समय में हम देश के काम आ सके, कुछ कर सके। बाकी आना जाना तो क्या है, जीवन है, लगा रहता है। लेकिन हाँ, इस थाने को मिस बहुत करेंगे और खास करके करिश्मा मैडम को।
लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। देखो भैया, ऐसा है, आज तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा अगर हमारे एरिया में हैंड टेन करते हुए तुम दिखे तो वो मार मारेंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम साना देख। चल निकल यहां से, निकल। जय हिंद मैडम सर। क्या था ये? कुछ नहीं मैडम सर, कल ही अपने गांव से वापस आया। क्वारंटीन का हाथ पर ठप्पा लगा हुआ है, फिर भी खुलेआम घूम रहा था, वो भी बिना मास्क के। तो क्या करते हम? अब आप ही कहती है ना जज, बातों से काम लिया करो, तो आज सोचा ट्राई कर ले। तो एक वार्निंग देके छोड़ दिए उसको, बिल्कुल हाथ नहीं लगा, एकदम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे हैं। एक बात कहनी थी मैडम सर, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला हमको, ऐसा लगा नहीं कि हम कोई केस सॉल्व किए हैं। लेट हो गई आप। कौन बोला? हम बोले। हाँ तो जोर से बोलिए ना, बड़बड़ा काय रही है, साफ साफ बोलिए। लेट हो गई आप। थोड़ी देर पहले तालियां बज रही थी हमारे लिए, हमारे लिए। लगता करिश्मा सिंह का भौकाल भूल गई हैं आप पुष्पा जी। हम थोड़ा केस सॉल्व करने में बिजी थे, तो जरा एक्शन रीप्ले हो जाए। ये कैसे आना हुआ मिस्टर अंगद? हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो श्री अंगद आचार्य, आचार्य, आचार्य। देखिए देखिए, अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? वो तो सुना होगा ना, अतिथि देवो भव। आइए। देखिए मिस्टर अंगद आचार्य, इस थाने में मेरे पास बस थोड़ा सा वक्त बाकी है, जो मैं आप जैसे सड़क छाप गुंडे से बात करने में जाया नहीं करना चाहती। इसलिए अगर कोई मुद्दे की बात हो तो कहिए, वरना रास्ता देखिए। देखिए भैया जी, आपको रास्ता दिखा रही है और आपको अंधा गधा समझ रही है। माफ कर दीजिएगा भैया। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो तेरी वर्दी उतारी है हमने, अभी इस थाने को मटिया मेट करेंगे, तब जाके कुछ बात बनेगी। ये थाना है, कोई मिली जुली सरकार नहीं जिसका जब मन किया गिरा दिया। तुम्हारा पत्ता हमने काट दिया है, कौन रुकेगा हमें? हम चले गए तो क्या हुआ, और भी लोग हैं यहां तुम्हारा हाजमा खराब करने के लिए। चैन से तो तुम्हें बैठने नहीं देंगे। तुम्हारा गुरूर तोड़ेंगे, झुकाएंगे तुम्हारा ये गुरूर से भरा हुआ सर, सरेआम सबके सामने तुम्हारी अकड़ को इसे तोड़ेंगे।
हमें इन आंखों में डर देखना है, तभी पड़ेगी हमारे कलेजे में ठंडक। अजब मेरा ब्रह्मास्त्र चलेगा, तब होगा असली ठंडक। करिश्मा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इस मुश्किल घड़ी में आपने जो हमारे लिए किया है, धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। एक वक्त था जब ये वर्दी देखकर घबराहट होती थी, लेकिन आज फख्र से सर झुक जाता है। याद रहेगा आपका ये प्यार, और मैडम जी आपके डंडे भी। अगर डंडे मार मार के थाने नहीं लाई होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। क्या पता इस महामारी का शिकार होकर हम जिंदा बच पाते भी या नहीं। शुक्रिया मैडम आपके इस डंडे का भी। अम्मा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुफ्त के डंडे तो इनसे जब चाहे जहाँ चाहे खा लो। डंडे चलाने की आदत जो है इनको। अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। डंडे भी तो हमारी भलाई के लिए खिलाए गए ना। अगर हम लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं करेंगे, ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक कर महामारी फैलाने के खतरे को बढ़ाएंगे तो डंडे तो पड़ेंगे ना। क्या बात है, सुन रही हैं आप पुष्पा जी? जो डंडे होते हैं वो हमेशा बुरी चीज नहीं होते, अच्छे काम में भी डंडे उठा लेने चाहिए कभी कभी, है ना? तुम ये अमा रखो ये। अरे नहीं नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे दे दो। बाहर निकल जेल से। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे दे दो, मैं देता हूँ। अरे जरूरत कैसे नहीं, आगे काम आएंगे, रखो रखो। बिल्लो है? अरे ये कैसे पीछे रह गए? सब ले लो भाई, सब काम आएंगे। अमा रखो, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारा खर्चा चल जाएगा। और जब वापस जाओगे ना घर, तो जल्दी काम पर लग जाओगे, टेंशन नहीं लेने का। और हाँ, ख्याल रखो अपना। जी मैडम जी, एक बात कहनी थी। हाँ कहिए। दरोगा जी तो बहुत देखे पर आपसा नहीं देखा। हो गई तारीफ, निकलो। वो इतने दिन बिल्लू के साथ थे ना? अब यहाँ इस थाने में हमारे सिर्फ दो ही दिन बाकी हैं। फिर यहाँ एक नई SHO आएंगी, इस थाने की नई इंचार्ज, आपकी नई सीनियर। उम्मीद कीजिए कि आपकी नई सीनियर हमारी तरह खड़ूस ना हो। दरअसल हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आप सब ने हर हालात में हमारा साथ दिया। इट्स ओके मैडम सर, टेंशन मत, ये आपका ही निवास है, आपका ही निवास समझ के आते जाते रहना। आपके लिए इसके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे मैडम सर। ए बिल्लू चुप कर और दरवाजा बंद कर। अरे बंद कर। बहरहाल आप सबने सही गलत के बारे में सोचे बगैर सिर्फ हमारे भरोसे पर सारे ऑर्डर्स को फॉलो किया, इस बात के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इस मौके पर आप कुछ नहीं कहेंगी करिश्मा सिंह? ऐसा नहीं है कि आपके जाने से हमें बहुत खुशी हो रहा है मैडम सर। हमारा विरोध आपसे तो कभी था ही नहीं, हमारी लड़ाई तो आपके ये जज्बातों की आइडियोलॉजी जो है ना, इससे रही है। आज आपकी यही जज्बातों वाली सोच की वजह से ना, हम वो दो कौड़ी का जो गुंडा है अंगद, उससे डर के बैठ गए। परमिशन दिया होता ना मैडम सर आपने हमें, तो वो हाल करते हो संगत के बच्चे का, कि आज हॉस्पिटल में बैठ के अपनी हड्डियां जुड़वा रहा होता वो,
और यही दुआ कर रहा था भगवान से कि हमें सब कुछ दिखाना, लेकिन इस थाने का चेहरा मत दिखाना। करिश्मा सिंह, हमारी लड़ाई भी आपसे नहीं है, लेकिन इस अंधे जोश और आपके अंदर के इस गुस्से से, जो किसी भी काबिल अफसर में नहीं होना चाहिए। वाह, माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन आज के दौर में ये जज्बातों के सोच का किसी को नहीं पड़ा है, किसी को नहीं पड़ा है कि आप मुजरिमों से कितना लाड प्यार से पेश आती हैं। यहां तो जिसका लाठी उसका भाईस, यही भाषा समझ में आती है मुजरिमों को। थोड़ा सा कड़वा लगेगा मैडम सर आपको, लेकिन आज जो ये आपका सस्पेंशन हुआ है ना, इसकी वजह भी कहीं ना कहीं आपके ये आउटडेटेड जज्बातों वाले सोच ही है। महिला थाना, ये सब क्या हो रहा है? अरे इस देश में रक्षक भक्षक बन जाए तो क्या हाल होगा देश का? ये आप क्या कह रहे हैं? सारा शहर गवाह है कि इन्होंने कितना सही काम किया है। अरे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, दूर रहिए। ये कौन है? जी सनी चड्डा रिपोर्टर। अच्छा बिकाऊ पत्रकार। हाँ बिल्कुल बिकाऊ है भैया जी, झूठ बेचता है, सच्चाई हम बताता हूं। बुरबा भैया जी बलराज। अरे एक ही बात है, बुला बता सचिन के सामने रख। अभी लेके आते हैं भैया जी, एक मिनट में। इस गरीब को ये वर्दी वालों ने मार मार के अपंग बना दिया। इन्होंने कितना अत्याचार कर दिया बता, ये इनमें से किसने मारा, इसने मारा है कि नहीं? ये जिसका ये मां ने नामकरण किया करिश्मा, बता इनमें से किसने मारा तुझे? ये देख ले, पंचरा होकर रहेगा। जो अत्याचार ये हम पे किया है ओकरा पूरा फैसला होगा। आप यहीं रुकिए, हम अभी आता हूं। चलिए अंदर चल के फैसला करते हैं। आइए। एक बात तो हम समझ गए कि या तो आपने मुरारी को खरीद लिया है या बहुत बुरी तरीके से डरा दिया है, लेकिन इस सबसे होगा क्या? करिश्मा सिंह ने ऐसा कुछ किया भी है, इस बात का आपके पास क्या सबूत है? ए बुरबकवा। भैया जी बलराज। हाँ एक ही बात है, जरा इनको दिखाओ प्रमाण। हाँ हाँ भैया जी अभी दिखाते हैं। हाँ चक्षु दर्शन करवाइए जी, ये देखिए सबको कराइए। डंडे मार मार के थाने नहीं लाई होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। क्या पता इस महामारी का शिकार होकर हम जिंदा बच पाते भी या नहीं। अंगद आचार्य तुम चाहते क्या हो? अब दो ही विकल्प आए आपके सामने। अब पहला ये कि सबके सामने, मजदूरों के सामने गिर गिरा के माफी मांगिए। अब दूसरा विकल्प ये है तो ठीक है, हम अब वीडियो वायरल कर देते हैं सबके सामने और अपनी आंखों से देखिए ये थाना का धूम। चौबीस घंटा आपको देता
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.